नहीं, मुझे लगता है कि तमन्ना ये थोड़ा सा संजय जी जो कह रहे हैं कि हो सकता है कि उनका अपना विश्लेषण हो, कुछ उनको ऐसे तथ्य मिले हों, लेकिन पिछले चार साढ़े चार साल में ये स्थिति जिस तरह से डेवलप हुई है, 12 से लेकर हम अभी तक जो पहुंचे हैं, दरअसल ये बड़ा धीरे धीरे करके शिवपाल और अखिलेश का झगड़ा इतना बढ़ा है। और अमर सिंह की जिस एंट्री की बार बार बात हो रही, तो अमर सिंह ने तो बड़े सलीके से जयाप्रदा की भी एंट्री करा ली है, और संजीव मिश्रा इस पर भी जवाब नहीं दे पाएंगे कि जो जयाप्रदा की एंट्री के बाद आजम खान के सुर बदले और वो तरह तरह के बयान दे रहे हैं, उसके बाद क्या मुलायम सिंह यादव को भी ये जरूरत महसूस हो रही है और इसीलिए शायद शिवपाल को अध्यक्ष बनाकर कौमी एकता दल का विलय कराया ही जाएगा और चुनाव के पहले वो स्थितियां बनानी पड़ेगी कि कम से कम वो रेस में पार्टी दिखे, क्योंकि अगर रेस से एक बार बाहर हुई तो इसमें कोई संदेह नहीं कि अंडर करंट के लेवल पर समाजवादी पार्टी बहुत पीछे है, बसपा और भाजपा ही चुनाव लड़ रहे हैं। उन दोनों पार्टियों के बीच में अगर ये बिल्कुल से गायब हो जाएंगे तो मुसलमान जाता तेजी से जाता हुआ दिखेगा और कांग्रेस की जो रणनीति है कि जो ऐसे वोट बैंक जो फ्लोटिंग वोट्स हैं उनको कैच करने की जो कोशिश है, मुझे लगता है कि कांग्रेस को कामयाबी मिल सकती है और ये किसी भी उस पार्टी के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि फ्लोटिंग वोट पहले से ही मान के बैठ जाए कि कम से कम ये पार्टी तो नहीं आने वाली है। और समाजवादी पार्टी की हालत ये चाचा भतीजे की लड़ाई में फिलहाल ऐसी ही होती दिख रही है। संजय मिश्रा जी, उस थ्योरी को आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूं।